वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सावल योल मेकर मशीन। आज हम आपको हमारे इस मशीन के बारे में बताएंगे। इसका नाम है SS702 विद टेम्परेचर कंट्रोल। ये फुल्ली SS304 से बना हुआ है। पूरा बॉडी इसका SS304 से है और इसके अंदर 400 वॉट की AC मोटर लगी हुई है। तो हम शुरू करते हैं इसका इसके बारे में, जो भी इसके कंपोनेंट्स है वो किस तरह से इसमें अटैच होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये दो कंपोनेंट्स की, जिसका नाम है, इसका नाम है स्क्रू और इसका नाम है बैरल। इसको साथ में कहा जाता है स्क्रू बैरल, या तो क्रशिंग ट्यूब, स्क्वीजिंग ट्यूब, क्रशिंग यूनिट, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको इस तरह से लगाया जाता है, जैसे पहले हम स्क्रू को यहाँ पे फंसा देते हैं अच्छी तरह से, ताकि वो उसके गियर बॉक्स में बैठ जाए मोटर के। और उसके बाद यहाँ पे बैरल लगाया जाता है और इसको थ्रेडेड जो लॉक पिन है उसके जरिए पे बंद कर दिया जाता है, जिसके डायरेक्शन दिए हुए हैं ऊपर क्लोज और ओपन के। और इसको ज़्यादा बंद करने के लिए या तो ज़्यादा टाइट करने के लिए एक रेंच दिया जाता है, इसका यूज़ से हम टाइट कर सकते हैं ताकि ये स्क्वीजिंग प्रोसेस के दौरान हिले नहीं। और उसके ऊपर ये लगती है रिंग, जिसको सील बोलते हैं। ये चीज़ इसीलिए होती है कि छोटी चीज़ जैसे तिल, राई, मस्टर्ड का ऑयल निकालते वक्त सब गिर के नीचे ना आ जाए। ये जो स्लीव्स है यहाँ से ऑयल निकलता है और यहाँ से खल निकलता है। और ये हीटर है, इसको बंद करके इसके ऊपर हॉपर लगा दिया जाता है, इसको हॉपर बोलते हैं। और उसके बाद ये जो दो चीज़ है, एक ऑयल कप है और ये फिल्टर है, जिसको ठीक ऑयल आउटलेट के नीचे रखा जाता है। और दो चीज़ और है, एक ये हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स है और एक ये ब्रश है, ये हमें क्लीनिंग प्रोसेस में काम आएगा। और ये जो चीज़ है, ये थर्मोस्टेट है, ये हमें मदद करेगी जो हीटर है उसके अंदर टेम्परेचर सेट करने में। और ये जो चीज़ है, ये पावर केबल है, जो एक इसका दूसरा एंड है वो हमें स्विच बोर्ड में लगाना पड़ता है और एक यहाँ पे, ताकि ये मशीन को पावर अप कर सके। ये स्विच है, हीटिंग स्विच है, जो अभी फ़िलहाल ऑफ है। जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमारे थर्मोस्टेट में डिस्प्ले ऑन हो जाती है और इसमें प्रेजेंट वैल्यू, सेट वैल्यू दिखाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इस मशीन का यूज़ करके आलमंड में से ऑयल किस तरह से निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हमें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पावर प्लग होना चाहिए और ये स्विच ऑन होनी चाहिए। तो मेक श्योर करेंगे कि प्लग ये हो, प्लग लगी हो अच्छी तरह से, और हीटिंग स्विच को ऑन करे थे ही हमारा जो थर्मोमीटर है, कंट्रोलर है, उसमें पावर आ गया। तो अभी हम उसका जो सेट वैल्यू है, अभी फ़िलहाल 120 दिखा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू 65 दिखा रहा है। अभी हमें ऑयल निकालना है आलमंड का। तो आलमंड का ऑयल निकालने के लिए हम ये चार्ट को रिफ़र करके उसको कितना टेम्परेचर चाहिए वो देखेंगे, जिसमें इसमें लिखा है 150 to 180। तो हम अभी टेम्परेचर जो है उसको सेट करेंगे 180 तक। इसमें दबाते जाएंगे तो स्पीड से रहेगा, एक साथ दबा के रखेंगे तो इसे ऊपर चला गया तो उसको नीचे ले आइए। 180 हो गया। अभी ये दोनों वैल्यू को मैच होने में, मतलब प्रेजेंट वैल्यू और सेट वैल्यू को मैच होने में टाइम लगेगा, तब तक हमें वेट करना है। अभी तकरीबन हम 8 से 10 मिनट वेट करने के बाद जो हमारा सेट टेम्परेचर है और प्रेजेंट वैल्यू है, दोनों ऑलमोस्ट सेम हो गया है। तो हम हॉपर में जिस तेलीबिया का ऑयल निकालना चाहते हैं इसे हम डाल देंगे हॉपर में, और यहाँ से जैसे ये बादाम का ऑयल हम निकालना चाहते हैं, तो ये एक चीज़ का ध्यान रहे कि ये जो मशीन है, जो डिज़ाइन की गई है ग्राउंड नट की साइज़ की चीज़ों का ऑयल निकालने के लिए। तो अगर कोई चीज़ इससे बड़ी है ग्राउंड नट से, तो उसको हमें कट करके ग्राउंड नट की साइज़ तक लाना पड़ेगा। जैसे आज बादाम है, तो बादाम का हमने एक बादाम का 3 पीसेस किया हुआ है, तो वैसे ही अगर हम कोकोनट, वॉलनट, किसी का भी ऑयल निकालना चाहते हैं जो ग्राउंड नट से बड़ी है, तो उसे कट करना ज़रूरी है, नहीं तो ऑयल नहीं निकलेगा। ये जैसे हॉपर में डालने के बाद ये जो है बटन, स्क्वीजिंग बटन है, जिसको हम ये पहले सेंटर में रहेगा, और अब हम जब ऑयल निकालना चाहते हैं तो इसको प्रेस करेंगे। मशीन अब स्टार्ट हो गई है और हीटर
चालू ही रहना चाहिए हमेशा, ये एक ध्यान रखें। भले अभी यहाँ पे कौन सा भी वैल्यू दिखता हो पर हीटर ऑयल चालू ही रहना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे ऑयल निकलेगा, वो जैसे अभी देखिए यहाँ पे खल निकलना स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे, थोड़ी देर में ऑयल भी निकलेगा। जैसे ये देख सकते हैं हम, ये जो खल है इसमें से ऑयल की मात्रा बहुत ही कम रहती है, मतलब जितना भी ऑयल है सारा का सारा निकल रहा है। आप नीचे देख सकते हो कि ऑयल गिर रहा है, से ऑयल निकल रहा है बादाम का। जैसे कोई भी चीज़ का हम ऑयल निकालना चाहते हैं तो इससे कंटिन्यूस हम 3-4 घंटा तक हम चला सकते हैं कंटिन्यूसली, फिर उसको थोड़ा ब्रेक देना पड़ता। तो हम अभी देखेंगे कि ये जो मटेरियल है वो ऑलमोस्ट खाली होनी है, तो मैं इसको हॉपर को हटा देता हूँ आपको ताकि अच्छी तरह से दिख सके। जैसे अब मटेरियल अब ख़त्म हो रखा है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लंग निकलना भी अभी ख़त्म हो गया, मतलब स्लंग भी नहीं निकल रहा है और ऊपर भी मटेरियल ख़त्म हो गया है। तो अभी हम पहले इसे, सबसे पहले हम इसको यहाँ से मशीन को बंद करेंगे। ये मशीन बंद हुई और जो क्लीनअप की और है उसको हम ये हीटिंग स्विच भी बंद कर देंगे ताकि हीटर बंद हो जाए, और ये जो क्लीनअप स्विच है उससे हम 20 सेकंड तक दबाए रखेंगे ताकि ये जो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा था अब रिवर्स डायरेक्शन में घूमना चालू होगा। और इसी के साथ में जो भी जो क्रशिंग चैम्बर है हमारा, प्रेसिंग ट्यूब है, उसमें जो भी खल बचा होगा वो पीछे की ओर आ जाएगा। तो इसको हम 20 सेकंड के करीब करीब हम दबा के रखेंगे ताकि सारा कुछ पीछे आ जाए। और इसके बाद जैसे 20 सेकंड खत्म होंगे हम उसको छोड़ देंगे, स्विच छोड़ देंगे तो मशीन घूमना बंद हो जाएगा। और फिर हम इसको, ये जो ऑयल निकल रहा है मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ कि अभी हमने बहुत कम ऑयल निकाला है तो इतना ही है, पर इसको हम जब हम दो दिन तक रखेंगे, एक दिन तक जैसे रखेंगे तो वो खाने लायक हो जाएगा। और इसके बाद जो मैंने आपको ये जो चीज़ें हैं जैसे हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स है उसको हम यूज़ करके इसको हाथ में अच्छी तरह से पहन के इसको पहले खोल लेंगे। अभी अब बहुत केयरफुल रहेगा, ये जो पार्ट है हीटर ये बहुत ही गर्म होगा और ये जो बैरल का ये जो पार्ट है ये भी बहुत गर्म होगा, इसलिए हम ये चीज़ देते हैं। आप चाहे तो एक अच्छा सा कपड़ा ले लीजिए ताकि कोई आपका फर्श खराब ना हो जाए। इसके बाद हम जो हमने ब्रेंच आपको दिया है इससे हम हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स है तभी हम इसको पकड़ सकते हैं। अभी ब्रेंच की वजह से केयरफुली हम इसको खोलेंगे। जैसे थोड़ा टाइट चलता है तो रेंच की मदद से खोल लेंगे। जैसे ये सेपरेट कर देंगे, ये हमने रिवर्स चलाया था इसलिए ये सेपरेट इजीली हो रहा है, नहीं तो इतने सारे इसके अंदर अशुद्धि जमा थी तो ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाता। और अगर हम इसको ठंडा भी होने देते तो इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें जमी हुई है स्क्रू के जो थ्रेडिंग में सारी चीज़ें जमी हुई है वो हार्ड हो जाती, जैसे जैसे ठंडा होते जाता वो हार्ड हो जाती और फिर इस दोनों को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो हम इसको प्रेफर करते हैं कि अब जब गर्म हो तभी हम इसको सेपरेट कर दें। और फिर जैसे
और एक चीज़ है, ये एक चीज़ है जिसे ये ब्रश है, आप इसको इंसर्ट करके अच्छी तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप पहले चाहे तो इसको और इसको ठंडा करना हो तो इसको हम पानी में डाल दीजिए, ताकि ये जो भी नॉर्मल अशुद्धियाँ है सारी निकल जाए, और फिर इसको अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ कर दीजिए।